हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्कल। हमें आज जो टॉपिक पढ़ना है वो थर्ड लेसन का ही है। हमें वर्क डन निकालना है इन रोटेटिंग डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वर्क डन हमें निकालना है इन रोटेटिंग डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखना है और उसको रोटेट करने में कितना वर्क हुआ वो वर्क डन हमें निकालना है। तो उसका एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में कब रखा था। फर्स्ट लेसन का लास्ट टॉपिक है कि जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर दोनों किनारों पर, मान लो ये डाइपोल है और डाइपोल के दोनों किनारों पर, दोनों एंड्स पर एक फोर्स लगता है। वो जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहती है, जिसके कारण यहाँ क्या होगा, ये डाइपोल इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घूम जाता है। तो अगर हम उसको थीटा एंगल पर रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम उसको थीटा एंगल पर रखते हैं, उस पर फोर्स लगता है मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाता है। अब क्या होगा कि डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इतना काम हो रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, लेकिन अब क्या करना है, उस पर एक वर्क डन हमें निकालना है। वो वर्क डन क्या होगा कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाता है तो उसको वापस थीटा एंगल पर हमें मोड़ना है। वापस थीटा एंगल पर ले जाने पर, मान लो 0 डिग्री एंगल से हम उसको 90 डिग्री ले जाते हैं या फिर हम उसको 180 डिग्री ले जाते हैं, तो कितना वर्क डन हुआ वही वर्क डन का फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायग्राम की। हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है। यहां हमने सबसे पहले डाइपोल ले लिया। डाइपोल की हम कंडीशन कौन सी ले रहे हैं, जब उस पर नेट फोर्स 0 हो गया है, उस पर फोर्स लग चुका है और एक टॉर्क प्रोड्यूस हो चुका है। उस कंडीशन में सबसे पहले हमने बात की थी, उस डेरिवेशन में हमने थीटा एंगल पर रखा था। अब थीटा एंगल पर रखने के बाद जब उस पर फोर्स काम करेगा वो आ जाएगा इस तरह से 0 डिग्री एंगल पर। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल के पैरेलल आ जाएगा। दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है। तो मान लो यहाँ ये डाइपोल है, ये ए बी डाइपोल है। अब इसको हमने 0 डिग्री एंगल से कुछ थीटा एंगल पर मोड़ दिया और बाद में हमने थोड़ा थीटा एंगल और चेंज कर दिया। तो इस तरह से माना जाए कि अगर ये ए बी पॉइंट्स है, हमने इसका थीटा एंगल लिखा, तो ये क्या होगा, इसका थीटा नॉट एंगल हो जाएगा। ये एंगल है इसका थीटा, या फिर हम इसको थीटा मान सकते हैं। दूसरा एंगल अगर हम लेना चाहें तो यहाँ पर ये एंगल होगा। अगर एक और एंगल हम उसका लेना चाहें तो इसका ये एंगल होगा। इसको हमने मान लिया फर्स्ट वाले को थीटा एंगल, दूसरा जो है उसको थीटा प्लस डी थीटा एंगल मान लिया, थर्ड वाले को हमने थीटा नॉट एंगल मान लिया। तो ये हमारे पास ए बी डाइपोल है जिसको हमने जब थीटा एंगल पर मोड़ दिया तो ये ए डैश एंड बी डैश डायरेक्शन हो गई, और फिर इसको हमने और मोड़ दिया तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश डायरेक्शन हो गई। ये हो गई अपने पास ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये हो गई हमारे पास ए ट्रिपल डैश और ये बी ट्रिपल डैश। तो इस तरह से हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो जैसे जैसे हम इस एंगल को मोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे और ज्यादा बड़ा एंगल लेते जाएंगे, वैसे वैसे थीटा जो एंगल है उसमें कुछ और डी थीटा प्लस होता जाएगा। हमने जो लास्ट एंगल हमारा लिया है, मान लो हमने थीटा नॉट ले लिया है, ये जो लास्ट वाला एंगल है जिस पर पोजीशन क्या है डाइपोल की, ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश, ये जो पोजीशन है इस पर हमने एंगल कंसीडर किया है थीटा नॉट, और जहां से हमने स्टार्ट किया था वो एंगल था थीटा। इसका मतलब क्या है, हमें लोअर लिमिट रखनी है थीटा और अपर लिमिट रखनी है थीटा नॉट, और थीटा नॉट इस डायग्राम में हमने इतना ही लिया है। ये अपर लिमिट आप कितनी भी ले सकते हो, हमने इसको कंसिडर किया है कि अपर लिमिट जितनी भी होगी उसको थीटा नॉट से हम
कंसिडर करेंगे या फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें किसका डेरिवेशन करना है। हमें निकालना है वर्क डन, और ये वर्क डन क्या है, वर्क डन के पहले के जो सिचुएशन है वो मैंने बता दी है कि जब किसी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है दोनों एंड्स पर, मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन डायरेक्शन में ओपोजिट। उस फोर्स के कारण क्या होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और ये जो डाइपोल है कितने भी थीटा एंगल पर हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने का ट्राई करता है, और अगर वो पैरेलल आ गया है तो उसकी कंडीशन ये होगी। अब इसी कंडीशन पर हमें क्या करना है, इसके आगे की जो बात है वो इस डेरिवेशन में हम कर रहे हैं। इतना डाइपोल है, इस कंडीशन में डाइपोल है, उसको जब हम थीटा एंगल से मोड़ते हैं तो हमें एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। वही एक्सटर्नल वर्क का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करना है। उस थीटा एंगल से ये जो कंडीशन है उसको हमने थीटा कंडीशन माना है, अपर लिमिट हम लगा देंगे, जितना भी वर्क किया है तो उस पर जो अपर लिमिट लगेगी वो थीटा नॉट की होगी। तो इसके बाद हम वर्क निकालते हैं। अब क्योंकि ये जो वर्क है वो हम रोटेशन में निकाल रहे हैं, अगर अपन जनरल वर्क का फॉर्मूला देखें तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर रोटेशन है तो फोर्स की जगह वहाँ पर आएगा टॉर्क, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में थीटा एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो वर्क का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, वर्क इक्वल्स टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखिए वर्क इक्वल्स टू टॉर्क, टॉर्क हमने पहले डेरिवेशन में निकाल लिया है। जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स हो जाता है जीरो, और वहाँ पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उस टॉर्क का फॉर्मूला हमने पीई साइन थीटा निकाला था, वही पीई साइन थीटा हमें यहाँ पर पुट करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से या फिर एस से किसी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ पर कितना है, डी थीटा है, ये डिस्प्लेसमेंट हम लिख रहे हैं डी थीटा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, लिमिट लगाएंगे हम, लिमिट यहाँ पर लगेगी थीटा से थीटा नॉट, ये हमारी लिमिट है, लोअर लिमिट। डाइपोल को इस कंडीशन में हमने देखा था ये थीटा है, और जितने भी एंगल पर हम उसको लेकर जा रहे हैं वो लास्ट वाला एंगल जो होगा वो होगा थीटा नॉट। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, W इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस थीटा, लिमिट लग जाएगी थीटा टू थीटा नॉट, देन लिमिट्स पुट करेंगे माइनस कोस, ये आ जाएगा थीटा नॉट माइनस, देन वापस माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस कोस थीटा नॉट। अगर हम मान लें कि यहाँ सबसे पहले थीटा नॉट था, ये हो जाएगा थीटा, अगर हम ये मान लें कि यहाँ जो थीटा लिमिट थी जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वो जो थीटा है वो कितना है, जीरो डिग्री है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में जो एंगल है वो कितना है, जीरो डिग्री है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री, ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट हमने यहाँ पर पुट कर दी है जीरो डिग्री। अब अपर लिमिट कितनी भी हो उस कंडीशन की बात हम बाद में करेंगे, इसकी और कंडीशंस में, एक बार के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि थीटा जो एंगल है उसको हमने जीरो डिग्री पुट कर दिया है। इस थीटा की जगह अगर जीरो डिग्री पुट किया जाए तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कोस जीरो डिग्री होता है वन, देन डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई माइनस कोस थीटा नॉट प्लस वन, ये इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू पी ई वन माइनस कोस थीटा नॉट, ये इक्वेशन आ गई हमारी वर्क डन की। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें सिचुएशन लेनी है पहले वाले डेरिवेशन के बाद की, मतलब फोर्स लग के टॉर्क प्रोड्यूस हो गया है और ये जो डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया है,
ये 0 डिग्री एंगल पर है। अब हमें वर्क डन करना है, तो इसका मतलब क्या है, इसको वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना है, इसको घुमाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जैसे ही इसको अपनी 0 डिग्री पोजीशन से हम घुमाते हैं, तो वहाँ पर लिमिट्स क्रिएट होती है थीटा एंगल पर, और जो वर्क डन होगा वो रोटेशन में है, इसलिए हमने टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है। वरना जनरल फॉर्मूला जो वर्क का होता है वो कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, थीटा एंगल आया है यहाँ पर पी ई साइन थीटा, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने लिखा है डी थीटा। देन हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट की, देन सॉल्यूशन निकाला। यहाँ पर एक लिमिट जो है वो हम 0 डिग्री लिख रहे हैं, यानी जब हम डाइपोल को 0 डिग्री एंगल से कुछ थीटा एंगल पर लेकर जाते हैं तो वो अपर लिमिट जो है वो तो क्या रहेगी, थीटा नॉट ही रहेगी, लेकिन 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0। देन फॉर्मूला हमारे पास कितना आ गया है, W इक्वल्स टू पी ई 1 माइनस कोस थीटा नॉट। अब इस पर हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, मान लो थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेशन हो रही है, देन जो वर्क डन होगा उसके अंदर क्या आएगा, यहां पर कोस थीटा 1 से माइनस कोस थीटा 2, ये कंडीशन हो जाएगी। सेकंड कंडीशन अगर हम लें तो 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो वो कंडीशन लगानी है। थर्ड अगर कंडीशन ले कि 0 डिग्री से हमें 180 डिग्री पर उसको रोटेट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, तो डिराइव करते हैं आगे इसकी कंडीशंस। अब लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, जिसके अंदर हमें डाइपोल को रोटेट करना है थीटा 1 टू थीटा 2, तो कंडीशन क्या होगी, देखिए वर्क टी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, और यहाँ हम डी थीटा लिख रहे थे। अब इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वो थीटा 1 टू थीटा 2 होगा, देन डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई यहाँ आ जाएगा माइनस कोस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2 इसकी लिमिट हो जाएगी, देन वर्क इक्वल्स टू पी ई माइनस कोस थीटा 2 माइनस, देन फॉर्मूले में माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा कोस थीटा 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू पी ई कोस थीटा 1 को हमने पहले लिख लिया है, देन माइनस कोस थीटा 2, ये हमारे पास कंडीशन बन गई है फर्स्ट कंडीशन। ये केस फर्स्ट के लिए हमने लिख लिया है कि जब थीटा 1 से थीटा 2 तक किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं, वापस अपनी उसी पोजिशन में लेकर आते हैं, देन जो वर्क डन होगा वो कितना आएगा, पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अब हम इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, थीटा 1 0 डिग्री ले लिया, देन थीटा 2 हमने 90 डिग्री ले लिया, तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या कंडीशन होगी देखते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास है, थीटा 1 हमने लिया है 0 डिग्री एंड थीटा 2 हमने लिया है 90 डिग्री, देन कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री 1 और कोस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0, देन वर्क इक्वल्स टू पी ई, यहाँ हमने कोस थीटा 1 लिखा है, थीटा 1 के लिए हम 1 पुट कर रहे हैं, देन 1 माइनस ये कोस थीटा 2, कोस थीटा 2 कितना लिया हमने 90 डिग्री, देन वैल्यू आएगी 0, तो इक्वेशन हमारी कितनी आ गई पी ई। ओनली हमारे पास ये वैल्यू बचती है किसकी, वर्क डन की, वर्क डन इक्वल्स टू पी ई, किस कंडीशन में, जब हम थीटा ले रहे हैं 0 डिग्री टू 90 डिग्री। थर्ड कंडीशन हम लेते हैं, थीटा 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री लिया है तो कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस 1। फॉर्मूले में पुट करेंगे W इक्वल्स टू पी ई, थीटा 1 के लिए फर्स्ट लिख रहे हैं, थीटा 1 हमारे पास कितना आया है 1, देन यहाँ माइनस है और हमारे पास सेकंड जो वैल्यू है वो माइनस 1 है, देन प्लस 1 हो जाएगा और W हमारे पास आएगा 2 पी ई, देन मैक्सिमम वर्क ये हुआ है 2 पी ई, और जो मिनिमम वर्क है वो हम ये देखते हैं पी ई। अब इसको हम देखो किस तरह से देखते हैं कि पी ई साइन थीटा, ये कंडीशन हम लगाते हैं टॉर्क की, देन सॉल्यूशन निकालते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से कुछ आता है, और थीटा 1 टू थीटा 2 अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं तब हमारे पास सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन ये आती है। इसी के अंदर हमें 0 टू 90, 0 टू 180 कंडीशन पुट करनी है, देन हमारे पास पी ई वर्क आता है कब, जब
थीटा जो है वो होगा 0° to 90°। अब 0 to 90 degree में PE वर्क हो रहा है, तो 90 और ऐड कर देंगे उसके अंदर, तो कितना वर्क होना चाहिए, 2 PE वर्क होना चाहिए। ये हमने थ्योरेटिकली समझा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो 0 to 90 PE और देन हम 180 जाएंगे तो डबल वर्क हो रहा है, तो यहाँ भी हमारे पास प्रैक्टिकली आंसर आ रहा है 2 PE। तो आज का टॉपिक ये था कि वर्क डन हमें निकालना है इन रोटेटिंग एट डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इसकी बात कर ली है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।